हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम आपका स्टार्ट करेंगे बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपके कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। तो बिना देर किए गए बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है और इसको हम कैसे संतुलित करते हैं, आओ इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कल बच्चों हमने आपका एक इक्वेशन लिखा था इसके पिछले लेक्चर में, C+O2 इट विल फॉर्म योर CO2। बच्चों अगर बच्चों यहां पर हम देखें अभिकारक के साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन बच्चों क्या है, कार्बन की संख्या बच्चों कितना, एक है, और ऑक्सीजन की संख्या बच्चों क्या है, दो है। O2 की बात नहीं करें, O की बात करें, और ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। और बच्चों अगर आप उत्पाद की साइड देखेंगे तो यहां पर कार्बन एक है और वो बच्चों कितना है, दो है। कहने का मतलब आपका बच्चों अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या दिख रही है बच्चों वो समान है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे। और यही बच्चों यहाँ पे सपोज हमने दो कर दिया, कार्बन को दो कर दिया और उत्पाद में बच्चों आपका कार्बन एक ही है, तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसको कैसे संतुलित करेंगे बच्चों, इसके लिए आप तीन स्टेप ध्यान रखिए। इसके लिए बच्चों आप तीन स्टेप ध्यान रखिए। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दिया हो उसको आपको छोटे ब्रैकेट में बच्चों लिख लेना है। क्या करना है, पहला काम छोटे ब्रैकेट में लिखना है। दूसरा काम बच्चों उन्हीं तत्वों की सहायता से, उन्हीं अभिकारक उत्पादों की सहायता से आप बच्चों एक सारणी बनाएंगे, आप बच्चों एक टेबल बनाएंगे। और टेबल में आपको क्या क्या रखना है बच्चों, क्रम संख्या रखनी है पहले पॉइंट, दूसरा क्या लिखना है बच्चों, तत्वों का नाम लिखना है, तीसरा क्या रखना है बच्चों, अभिकारक की संख्या रखनी है, अभिकारक में तत्वों की संख्या रखनी है। और जो चौथा काम करना है बच्चों वो आपको उत्पाद में तत्वों की संख्या रखनी है। तो चार चीजें आप ध्यान दीजिए, पहला चीज क्रम संख्या, दूसरा तत्वों का नाम, तीसरा अभिकारक में तत्वों की संख्या, और चौथा उत्पाद में तत्वों की संख्या। तो ये चार चीज याद रखिए। और जो लास्ट स्टेप बच्चों आप करेंगे, मतलब थर्ड स्टेप करेंगे, वो होगा आपका असंतुलित तत्वों का संतुलन करेंगे। तो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे, तो आइए हम जानें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों आपको सिखा दिया, हमने आपको बता दिया कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या बच्चों, किसी असंतुलित, किसी असंतुलित, किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को, किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित क्या बच्चों, निम्नलिखित प्रकार से संतुलित करते हैं, क्या बच्चों, निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से संतुलित करते हैं। तो बच्चों हमने आपको तीन स्टेप बताया, कौन कौन स्टेप बच्चों, तो पहला काम क्या है, अभिकारक, क्या बच्चों, अभिकारक व उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को
छोटे कोष्टक में लिखते हैं, अभिकारक उत्पाद को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। और दूसरा बच्चों आपको क्या करना है, जो आपको दूसरा काम करना है क्या बनाना है बच्चों, सारणी बनानी है। तो दूसरा काम सारणी बनाते हैं। और बच्चों अब सारणी में बच्चों आपको हमने कुछ चीजें बताई हैं, आपको चार कॉलम बनाने बच्चों। पहले कॉलम में बच्चों आपको क्या लिखना है, क्रम संख्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, क्रम संख्या। दूसरे में बच्चों क्या लिखना है, तत्वों का नाम, तत्वों का नाम। और तीसरे में क्या लिखना है बच्चों, अभिकारक में तत्वों की संख्या। और लास्ट में बच्चों को क्या लिख देना है, उत्पाद में तत्वों की संख्या। क्या बच्चों उत्पाद में तत्वों की संख्या, आगे बच्चों एक से ज्यादा तत्व हो सकते हैं, इसलिए हमने लगभग आपके दो कॉलम, यहाँ पे बच्चों हमने दो 36 पंक्ति आपकी बना दिया है। दूसरा काम बच्चों हमने क्या बनाएंगे, आपका सारणी बनाएंगे। और तीसरा काम बच्चों असंतुलित तत्वों को, असंतुलित तत्वों को उचित गुणांक की सहायता से, क्या बच्चों उचित गुणांक असंतुलित तत्वों को उचित गुणांक की सहायता से, उचित गुणांक की सहायता से क्या है बच्चों, संतुलित करते हैं। बस आपको ये तीन स्टेप बच्चों याद रखना है, क्या अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्टक में लिखना है, सारणी बनाना है, और असंतुलित तत्वों को उचित गुणांक की सहायता से बच्चों क्या करना है आपको, संतुलित करना है। तो ये बच्चों आपको ये बात इतनी याद होनी चाहिए। आओ हम आपके ये आपका बच्चों हेडिंग खत्म हुआ, अब इस पर आते हैं बच्चों, इसको हम कैसे संतुलित करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन सक्रिया करके क्या बना रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसको हम कैसे संतुलित करें। तो बच्चों आपका दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, आपका Mg प्लस ओ टू MgO को संतुलित करना है बच्चों, आप हम सॉल्यूशन ले रहे हैं बच्चों। तो पहला काम क्या करना है आपको, छोटे कोष्ठक में लिखना है Mg प्लस ओ टू आफ्टर रिएक्शन इट विल बी फॉर्म योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला काम बच्चों यही करना है, ये पहला काम हो गया आपका, ये पहला काम आपका हो गया। सेकेंड नंबर सारणी, सारणी में चार चीजें बच्चों हमने आपको बता रखी है, क्या क्या, क्रम संख्या, क्या बच्चों क्रम संख्या, दूसरा
तत्वों का नाम, तीसरा अभिकारक में संख्या, और चौथा बच्चों उत्पाद में तत्वों की संख्या। अब डायरेक्टली आपकी संख्या लिख दे रहे हैं। ये बच्चों आपको चार चीजें बनानी होंगी, चार कॉलम बच्चों आपको बनाने होंगे, और इसके बाद बच्चों ये बना लीजिए आप। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। बच्चों केवल दो तत्व हैं तो आपको कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ, कितने आवर्त बनाने होंगे, तो दो बनाने होंगे बच्चों। कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ, दो। तो क्रम संख्या हमने एक लिखा बच्चों, और क्रम संख्या बच्चों कितना लिखा, दो लिखा। और लिखने के बाद बच्चों हमने क्या किया, इसको मिला दिया। कौन कौन सा तत्व बच्चों, मैग्नीशियम और क्या है, ऑक्सीजन। अभिकारक में तत्वों की संख्या देखिए बच्चों, मैग्नीशियम एक है क्योंकि यहां बच्चों क्या है, एक है, तो मैग्नीशियम कितना है, एक है। ऑक्सीजन एटम कितना है बच्चों, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं एटम, दो है, तो दो लिखिए। और अगला बच्चों उत्पाद में संख्या देखिए, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक, तो क्या लिखे बच्चों, एक और एक। और तीसरा काम बच्चों क्या है आपका, तीसरा काम क्या है, संतुलन। क्या काम बच्चों, तत्वों का संतुलन। तत्वों का संतुलन। अब इसको देखिए बच्चों, आपने जो सारणी बनाया है, कौन सा तत्व आपको असंतुलित दिख रहा है, मतलब अभिकारक और उत्पाद में किसकी संख्या समान नहीं दिख रही है, तो ये बच्चों क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। या आप इसे देखिए, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की, दो, इसे सेलेक्ट कर लीजिए बस। अब आ जाइए तत्वों का संतुलन में, सबसे पहले किसको पकड़ना है, ऑक्सीजन को। तो पॉइंट नंबर जो यहाँ फर्स्ट हमने फिर से डाल दिया, ए डाल देते हैं आपका, इसमें लिखते हैं ऑक्सीजन का संतुलन। जैसे बच्चों आपने लिखा ऑक्सीजन का संतुलन, तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों, जो आपको दिया उसे आप लिख लीजिए। क्या दिया है, Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन MgO बना रहे हैं बच्चों, इसको हमने क्या लिख लिया आपका। अगर बच्चों अभिकारक में ऑक्सीजन दो, तो उत्पाद में भी दो होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, उत्पाद साइड दो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन संतुलित, दो दो दोनों तरफ ऑक्सीजन हो गया, लेकिन आपका मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। अब जैसे ही बच्चों आपका मैग्नीशियम असंतुलित हुआ, तो हम क्या करेंगे, दूसरा काम, मैग्नीशियम का संतुलन। और मैग्नीशियम का संतुलन बच्चों कैसे करेंगे, देखिए बच्चों इक्वेशन, सबसे पहला काम है आपको लिखना Mg प्लस O2 टू MgO। अब जैसे बच्चों आपने ये लिखा, तो यहाँ पर दो है मैग्नीशियम, आपको उत्पाद अभिकारक में दो करना है। अब दो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई किए, वैसे ही अभिकारक और उत्पाद में इनकी संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः यह समीकरण
संतुलित है। क्या बच्चों? अतः यह समीकरण क्या बच्चों? संतुलित है। ये बच्चों आपका क्या हुआ, जो सिकेंड हमने लिया था बच्चों, उसका संतुलन यहाँ पर हमने कर लिया। और हमें आशा है कि आपको ये संतुलन 100% समझ में आई होगी। अब बच्चों ये आपका सेकेंड नंबर हो गया, और थर्ड में आइए बच्चों, तो हमें पूरा आशा थर्ड आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जैसा सेकेंड है वैसा ही थर्ड है। लेकिन फोर्थ नंबर में बच्चों आपका थोड़ा डिफर है, तो इसे हम देखेंगे। थर्ड नंबर आपको खुद से करना है, तो कहने का मतलब ये आपका हमने दे दिया होमवर्क, और इसे कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वाया यू कैन आस्क टू मी बाई व्हाट्सएप नंबर आर बाई कमेंट एंड होपफुली आई वुड टू से इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। जो भी बच्चों आपका क्वेश्चन होगा उसका हमें उत्तर देना होगा, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हाँ, केवल आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, आप चैनल से जुड़िए और भी लोगों को चैनल से जोड़िए। तो आ जाइए हम आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है बच्चों उसको लेते हैं और उसको हल करते हैं। हियर यू कैन यन ए बच्चों और यस टू है, और बन रहा है बच्चों आपका यन ए ओ एस सोडियम हाइड्रोक्साइड और यस टू। ये बच्चों आपका बन रहा है। अब इसको हम कैसे संतुलित करेंगे? अब बच्चों इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, तो आइए हम देखें। तो यहां बच्चों हम आपका लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन रहा बच्चों, तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए एन ए प्लस यस टू, अब बन रहा है बच्चों आपका एन ए ओ एच और यस टू। तो पहला काम हमने बताया बच्चों, आपको जो पहला काम करना है अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्टक में लिख लेना है। अभिकारक और उत्पाद को छोटे कोष्टक में लिख लेना है, और बच्चों इसके बाद आपको करना है दूसरा काम, क्या करना है? सारणी बनानी है। क्या करना है बच्चों? सारणी। क्या करना है आपको? सारणी बनानी है। और सारणी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखो बच्चों, क्या क्या लिखना है? क्रम संख्या, दूसरा बच्चों तत्व का नाम, तीसरा क्या है? अभिकारक में संख्या, अभिकारक में तत्वों की संख्या। या बच्चों हम किसी किसी क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी के सॉल्यूशन हमने केवल संख्या लिख दिया है, तो उसका मतलब आप जानते रहिए अभिकारक में तत्वों की संख्या की बात किया जा रहा है। और इसके बाद बच्चों क्या लिखना है? उत्पाद में तत्वों की संख्या। अब बच्चों आपका, अब इसको आओ हम टेबल रूप देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हो गया, अब तत्व को काउंट कर लिया बच्चे, कौन कौन सत्व है? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो तीन आपको बनाने होंगे क्रम, 1, 2 और 3। कौन बच्चों? 1, 2 और 3।
वन टू और थ्री। इतना बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो बताइए कौन सा तत्व है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभिकारक में इनकी संख्या देखिए बच्चों, एक सोडियम है तो एक लिखिए, दो हाइड्रोजन है तो दो लिखिए, एक ऑक्सीजन है तो एक लिखिए। उत्पाद में देखिए बच्चों, एक सोडियम है तो एक लिखिए, हाइड्रोजन कितने बच्चों, एक दो, तो एक तीन। ऑक्सीजन कितने बच्चों, एक, तो एक लिखिए। और थर्ड बात बच्चों को क्या करना है, संतुलन। तो पहला काम किसका संतुलन करेंगे, कौन सा आपको असंतुलित दिख रहा है बच्चों, सोडियम संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन असंतुलित, स्टार बनाइए, आ जाइए। तो हाइड्रोजन असंतुलित है तो पहला काम करना है हाइड्रोजन का संतुलन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब करेंगे हाइड्रोजन का संतुलन? और हाइड्रोजन संतुलन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको इक्वेशन को लिखना है। तो लिखिए प्यारे बच्चों, Na प्लस यस टू ओ आफ्टर रिएक्टिंग इट विल बी फॉर्म योर Na OH और यस टू। तो बच्चों इसको हम क्या लिखा, ब्रैकेट में लिख लिया, ये यहाँ तक हमने काम कर रखा। तो ये बताइए बच्चों कि कितने यहां पे हाइड्रोजन है, दो यहां पर है बच्चों आपके, तीन। और संतुलित में करना है दोनों को। अगर बच्चों ये आपका तीन है, आड नंबर है, विषम है, और यहां पर बच्चों क्या दो है, सम है, तो दोनों को मैं सम करना है, या तो दोनों क्या कर ले, विषम कर लें। लेकिन आओ हम कर लेते हैं यहां पर सम कर लेते हैं। तो यदि बच्चों यहां से हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो हाइड्रोजन होंगे, दो यहाँ पे चार होंगे, और यहाँ बच्चों आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन। बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात इतनी ज़्यादा समझ में आई। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम बच्चों यहाँ पर दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो यहाँ हाइड्रोजन, दो यहाँ पर चार, और दो यहां हाइड्रोजन और दो से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों, चार, चार हाइड्रोजन यहां पे हो गए और चार हाइड्रोजन यहां पर हो गए। और ऑक्सीजन देखिए बच्चों, दो ऑक्सीजन यहां पे हो गए बच्चों, दो ऑक्सीजन यहां पे हो गए। और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, सोडियम दो, सोडियम एक, तो अगला काम बच्चों सोडियम का संतुलन। और सोडियम का संतुलन करना है बच्चों, तो यहां पे दो सोडियम, यहां पे एक सोडियम, तो दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, Na प्लस टू यस टू, और क्या बना, टू NaOH प्लस यस टू। तो यहाँ बच्चों ने क्या कर दिया, दो से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही दो से मल्टीप्लाई किया वैसे ही आपका इक्वेशन क्या बच्चों मेरे, संतुलित हो गया। अब आप लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण क्या आप मेरे प्यारे बच्चों, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो बच्चों ये लेक्चर हम आपका यहां पे एंड करेंगे, और इसके आगे कल फिर लेक्चर बच्चों हम आपका कंटिन्यू करेंगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो।
तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बच्चों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।